अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड लवर बाय शाइस्ता। आज मैं आप लोगों के साथ पंजीरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे गोंद भी कहते हैं और पंजीरी भी कहते हैं। पंजीरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 125 ग्राम मखाने लिए हैं, इनको लोटस सीड्स भी बोलते हैं। इसके अलावा 4 मगज लिए हैं 125 ग्राम, गोंद लिया है मैंने 50 ग्राम, 250 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 250 ग्राम मैंने खोपरा लिया है, इसे ड्राई कोकोनट भी कहते हैं, 75 ग्राम पिस्ते लिए हैं। इसके अलावा सूजी ली है 250 ग्राम यानी कि एक पाव, और चीनी लेंगे 500 ग्राम। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था। चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, और अगर कम मीठा पसंद है, नॉर्मल पसंद है, तो ये चीनी की परफेक्ट क्वांटिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। खोपरा मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा करके खोपरा ऐड करें और बारीक कूट लें। खोपरे को ग्राइंड नहीं कीजिएगा, बेसन में ही कीजिएगा। ये देखें, ज्यादा बारीक भी ना हो खोपरा और ज्यादा मोटा भी नहीं हो, ये इस तरह आपका खोपरा होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। क्रश्ड किया हुआ खोपरा हम बाउल में निकाल देंगे और बाकी खोपरे को भी हम इसी तरह कोट लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा खोपरा कोट लिया है और एक बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। इसी तरह हम बादाम को भी पेसल में बारीक कोट लेंगे। इस बादाम को भी ग्राइंड नहीं करना, पेसल में बारीक कोटना है। ग्राइंड करने से बादाम बहुत बारीक पीस जाएंगे, हमें बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा कोटना है, इसलिए हम पेसल में इसको कोटेंगे। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। इसी तरह मैं सारे बादाम को पेसल में कोट लूंगी और सारे बादामों को कोट कर बाउल में निकाल कर साइड पर रख दूंगी। पिस्तों को मैंने बारीक काट लिया है। आप सीजर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इजिली कर सकते हैं। ज्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा आपको काटना है। अब हम एक बड़ा सा बेसन ले लेंगे, इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और साथ ही खोपरा और बादाम जो हमने बेसन में बारीक कोट लिया था वो ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हम पिस्ते भी ऐड कर देंगे। अब एक कढ़ाई में 500 ml देसी घी डालें। घी को हम गरम कर लेंगे। आप एक सीड्स डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो मतलब आपका घी गरम हो चुका है। अब घी में मैं 4 मगज शामिल कर दूंगी और इसको लो फ्लेम पर मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ज्यादा तेज आपको फ्लेम नहीं रखनी, ना मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम आपकी होनी चाहिए। और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अगर आप लोग चम्मच नहीं चलाएंगे तो इस तरह होता है कि कुछ सीड्स आपके ब्राउन हो जाते हैं और कुछ व्हाइट रह जाते हैं। चारों मगज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और घी से चारों मगज को सेपरेट कर लूंगी। अब फ्राई किए हुए चारों मगज को मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बाउल में ऐड कर दूंगी। अब रिमेनिंग ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसमें गोंद शामिल कर दूंगी। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि गोंद आपस में चिपके नहीं। अब गोंद को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट्स तक मैं फ्राई करूंगी। गोंद लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको घी से सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोंद फूला है। अब हम गोंद को भी बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देंगे। अब इसी घी में 250 ml में और घी ऐड करूंगी। देसी घी मैंने यूज किया है और घी को मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। अब इसमें मखाने शामिल करूंगी। मखाने मैंने सारे ऐड नहीं किए हैं, दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया था, तो मैं पहले एक पोर्शन अच्छे से फ्राई करूंगी और फिर दूसरा पोर्शन फ्राई करूंगी। मखाने फ्राई करते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि घी ना ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडा हो। अगर घी ठंडा होगा तो मखाने सारा घी पी लेंगे और क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे।
मखानों को मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोंद बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी चीज आप फ्राई करेंगे उसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। मखाने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको घी से सेपरेट कर लूंगी और बाकी मखानों को भी मैं इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। अब मखानों को भी मैं बाउल में ऐड कर दूंगी। अब जो कढ़ाई में घी मेरा बच गया था उसको मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं सूजी ऐड करूंगी और फ्लेम आपने लो रखनी है, तेज फ्लेम नहीं होनी चाहिए नहीं तो सूजी जल जाएगी। मुसलसल चम्मच चलाते रहें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को हम फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स तक मैंने सूजी को ब्राउन किया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें सूजी का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सूजी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सूजी को घी के साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देंगे। मेरा वेसल छोटा रह गया था तो मैंने इसको दूसरे वेसल में कन्वर्ट कर लिया है सारे सामान को। अब मैं घी के साथ सूजी को इसमें ऐड करूंगी। अब बस लास्ट में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो ये थी हमारी आज की पंजीरी की रेसिपी। ये रेसिपी बेसिकली मेरी नानी की रेसिपी है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप इस रेसिपी से पंजीरी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है और बहुत हेल्दी है। तो लीजिए हमारा एक हेल्दी स्नैक्स तैयार है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।